दुनिया का पहला ऐसा क्लासरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ही क्लासरूम में दो शिक्षक पढ़ा रहे हैं। दिखता है सर जो पढ़ा रहे हैं कुछ भी वहाँ पे? नहीं सर। नहीं दिखता है ना आपको? दिखता है आपको? दिखता है? नहीं सर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है। क्या होता है शौचालय बताओ, जानते हो? नहीं सर। नहीं जानते हो? नहीं। अच्छा सर ये बताइए कि आप कौन से क्लास वालों को पढ़ा रहे हैं? मैं क्लास 7 को पढ़ा रहा हूँ। और आप मैडम? मैं क्लास 6 को। अच्छा आप क्लास 6 को पढ़ा रही हैं, आप क्लास 7 को? जी। एक घंटा में कई मिनट? 60। कि बोर्ड भी बट गया है यहाँ पर, वाह रे बिहार सरकार। 400 बच्चे हैं, लगभग 200 से 250 हमेशा उपस्थित रहते होंगे, ठीक है? तो तीन क्लासरूम में आखिर 1 से 8 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? अभी मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हूँ और बिहार का सरकारी स्कूल आपको दिखाने वाला हूँ। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है वो दिखाने वाला हूँ। ये देखिए मध्याह्न भोजन के द्वारा लोगों को खाना मिलता है ब्रेक में, वो खाना खा के जो है बच्चे प्लेट धो रहे हैं, चापाकल लगा हुआ, अच्छी बात है। लेकिन ये स्कूल का जरा भवन देख लीजिए, भवन देख के ऐसा लग रहा है कि ये 500 वर्ष पुराना भवन होगा। इसकी डेंटिंग पेंटिंग कब हुई होगी ये भी पता नहीं है। तो बिहार सरकार से ये कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार आखिर शिक्षा व्यवस्था पे 1000 करोड़ रुपया पैसे खर्च कर रही है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? आप देख लीजिए इस स्कूल की स्थिति क्या है, इस स्कूल का ये फर्श देख लीजिए कैसा है, इतना जर्जर स्थिति में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भवन है। मुझे लगता है कि ये भवन जो है एक्सपायर हो चुका है। इस भवन में तरीके से क्लास नहीं चलना चाहिए, क्योंकि देखिए सब टूट टूट के जो है हमको लगता है गिर रहा है। आप देख सकते हैं ध्यान से ये पूरा टूट रहा है। उसके बाद अंदर आइए, यहाँ पर ये देखिए कि इसकी स्थिति क्या है। अब बताइए कि बिहार के स्कूलों की स्थिति ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, कायदे से छत भी अच्छा नहीं है स्कूल का, तो आप बताइए कि बिहार में बाहर कहाँ से है? बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, तो शिक्षा मंत्री जी क्या आप कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के शिक्षक से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर भौकाल टीवी न्यूज में स्वागत है आपका। हेड मास्टर साहब है सर, भौकाल टीवी में स्वागत है जी। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका सर? अमानत अली। अमानत जी ये बताइए कि हम लोग अभी कौन से जगह पर और स्कूल का नाम क्या है? ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरादपुर उर्दू कुरहनी प्रखंड हुआ। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरादपुर उर्दू। उर्दू उर्दू विद्यालय है जी जी। तो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई होती है जी। कितने शिक्षक है टोटल सर? टोटल 9 शिक्षक है यहाँ। 9 शिक्षक है। बच्चे कितने हैं? बच्चे लगभग 400 करीब है। 400 बच्चे हैं, तो 400 बच्चे नामांकित है। नामांकित है, उपस्थिति लगभग 250 करीब 200। नामांकित 400 है ना, तो क्लासरूम कितना बना हुआ है? मात्र यहाँ 3 कमरे ऐसे हैं जिसमें पढ़ाई हो रही है। ये पुराना भवन है जो पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इस भवन के बारे में डिपार्टमेंटल हम लोगों ने कई बार लिखित सूचना दिया था, और कई बार देने के बाद भी जो है इस पर कोई डीओ साहब भी आए थे यहाँ देख करके गए थे, लेकिन इस पर जो है कुछ हुआ। डीओ साहब ऐसे? जी जी डीओ साहब भी आए। डीओ साहब आए देख के चले गए? डीओ अब्दुल सलाम अंसारी साहब थे, उन वही आए हुए थे यहाँ देख करके भी गए थे यहाँ उनके बाद। तो सर ये बताइए कि 400 बच्चे हैं, लगभग 200 से 250 हमेशा उपस्थित रहते होंगे, ठीक है? तो तीन क्लासरूम में आखिर 1 से 8 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? सर वो है कि फर्श पर जो है बच्चे को बैठाया जाता है, जो नीचे क्लास के बच्चे हैं उनको फर्श पर बैठाया जाता है, और जो ऊपर क्लास के हैं 6, 7, 8 है उनको जो है क्लासरूम में ही, चूँकि 3 कमरे हैं, 2 कमरे में ज्वाइंट क्लास चलाते हैं, 1 कमरे में 4, 5, 1 कमरे में 6, 7 और 1 में 8 है, बाकी बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं। अच्छा बाकी बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं। आज डिजिटल युग हो गया है, मोदी जी जो है तब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, नीतीश चाचा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो अभी भी स्कूल में जो है फर्श पर बैठते हैं लोग? जी सर क्या किया जाए? ये बताइए सर इसका लास्ट टाइम डेंटिंग पेंटिंग कब हुआ था? ये तो कोरोना काल के पहले का हुआ है, और इधर जो अभी नया सिस्टम है PFMS पोर्टल से पेमेंट करने की बात हो रही है, तो हमारा अभी पासवर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम था वो अब क्लियर हो गया। अच्छा, सर, तो ये बताइए अगर इसका डेंटिंग पेंटिंग भी करवा दिया जाए तो ये कैसे सही होगा बताइए? ये सब जर्जर हो गया है, पीछे से भी देखा जा सकता है, वो जर्जर हो चुका है पूरा, पीछे से भी देखिएगा पूरा छत सब फट रहा है। सर क्लासरूम में चले क्या? तो आप ये देखिए कि सर जो है बराबर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो इश्यू है वो दे रहे हैं। डीओ साहब भी यहाँ पर आए और देख के चले गए, लेकिन उसके बाद से भी स्कूलों में सुधार नहीं हुई है। एक क्लासरूम में चलते हैं और मैं कमिंग सर। तो अभी हम लोग एक क्लासरूम में आ गए हैं और दुनिया का पहला ऐसा क्लासरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ही क्लासरूम में दो शिक्षक पढ़ा रहे हैं। आप ये ज़रूर देखे होंगे कि एक क्लासरूम में जो है
एक क्लासरूम में जो है सातवीं आठवीं के बच्चे बैठते हैं, कंबाइंड बच्चे बैठते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कंबाइंड बच्चे तो बैठते हैं लेकिन शिक्षक एक ही पढ़ाते हैं। लेकिन बिहार का ये अजूबा स्कूल और बिहार का सिस्टम ये दर्शाता है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कितनी जर्जर है कि एक ही क्लासरूम में सातवीं आठवीं पाँचवीं छठी कंबाइंड क्लास बैठी हुई है और दो शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि बोर्ड भी बट गया है यहाँ पर। वाह रे बिहार सरकार, यहाँ इधर पढ़ते हैं पाँचवा वाले तो इधर पढ़ते हैं सातवा वाले। दुनिया में आप ऐसा स्कूल कहीं नहीं देखे होंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था कहीं नहीं देखे होंगे, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अच्छा सर, ये बताइए कि आप कौन से क्लास वाले को पढ़ा रहे हैं? मैं क्लास 7 को पढ़ा रहा हूं। और आप मैडम? मैं क्लास 6 को। अच्छा, आप क्लास 6 को पढ़ा रही हैं, आप क्लास 7 को? जी। तो सर पॉसिबल कैसे है? आप पढ़ाती होंगी तो ये लोग भी सुनते होंगे, आप पढ़ाते होंगे तो ये लोग भी सुनता होगा। नहीं, उनकी किताब का कोर्स अलग है, मेरे किताब का कोर्स अलग। लेकिन सर हौज पोछ क्योंकि नहीं होता है, गैदरिंग और शोर तो होता है। होता है? हाँ, शोर होता है, शोर से। सर हमको ट्रबल में पढ़ाना है, हमारे बच्चे हमको पढ़ाना है। लेकिन सर इसमें ज़्यादा तो समझ में नहीं आता होगा बच्चों को। नहीं, वो शोरगुल हमको बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, बर्दाश्त करते हैं तो हम बर्दाश्त करते हैं। देख लीजिए, शिक्षक यहाँ पर अपना अपना समय जो है पूरा दे रहे हैं, यहाँ के शिक्षक और शिक्षिका आप देख सकते हैं दोनों अपने अपने क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक मजबूरी है क्योंकि क्लासरूम नहीं है, भवन एकदम जर्जर हो चुका है और बच्चों की संख्या देख लीजिए उपस्थिति कितनी है। ऐसा लग रहा है कोई सिनेमा हॉल है और खचाखच फिल्म देखने के लिए भरा हुआ है। अरे बिहार सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि अरे जागिए और स्कूलों में आके विजिट कीजिए और देखिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है। क्या अमीर के बाल बच्चे, अधिकारी पदाधिकारी के बाल बच्चे, नेता मंत्री के बाल बच्चे, मुख्यमंत्री के बाल बच्चे ऐसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ेंगे? आप जरा हमें कमेंट करके बताइए। बिहार सरकार को चाहिए कि जहां पर तीन क्लासरूम में आठवीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर जो है क्लासरूम तत्काल बनवाए, जहां पर जो बेसिक समस्या है, जो बेसिक विधि व्यवस्था है उसको सुधारे। लेकिन नहीं सुधारा जा रहा। देख लीजिए किस तरीके से बैठे हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक बेंच पे पांच पांच लोग बैठे हैं, साइड में भी बैठे हैं, कोने में भी बैठे हैं, मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर एक इंच भी खाली है। तो आप ये बताइए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है हिंदुस्तान के हर राज्य से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पीछे है। और पीछे क्यों है, बस ये तस्वीर देख लीजिए सर और मैडम का, उसके बाद बच्चों की तस्वीर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। क्या नाम है बेटा आपका? रूपांजलि कुमारी। क्या नाम है? रूपांजलि कुमारी। रूपांजलि कुमारी कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? क्लास 6। क्लास 6 में पढ़ती हैं रूपांजलि बेटा। तो मैडम आपको पढ़ाती हैं? जी। और सर इधर वाले को पढ़ाते हैं? जी। तो हल्ला होता होगा तो आपको समझ में आता है, सच सच बताइएगा। नहीं नहीं आता है ना, है नहीं आता है ना आपको? चलिए बैठ जाइए। आपका नाम क्या है? निकहत परवीन। निकहत बेटा, ये बताइए कि आप कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? क्लास 6। क्लास 6 में पढ़ती हैं। तो क्लास 6 और 7 साथ में पढ़ते हैं जी। तो क्योंकि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत जगह पर ये पढ़ाई होती है कंबाइंड क्लास, लेकिन शिक्षक दो हैं, ठीक है, क्लासरूम नहीं होने की वजह से। तो सर पढ़ाते हैं या मैम पढ़ाती हैं तो समझ में आ जाता है जी? आगे बैठते हैं तो समझ में आ, आगे बैठती हैं तो समझ में आ जाता है। चलिए आपको तो समझ में आ जाता होगा, लेकिन ये पीछे वाले बच्चे बच्चों के कहाँ से समझ में आता होगा? खड़ा होना बेटा, आप दिखता है सर जो पढ़ा रहे हैं कुछ भी वहाँ पे? नहीं सर। नहीं दिखता है ना आपको? दिखता है आपको? दिखता है? नहीं सर। तेज बोलिए, आपको दिखता है? नहीं सर। आपको दिखता है? नहीं सर। किसी को नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि बिहार सरकार ने स्कूलों में व्यवस्था नहीं दी है, इसी कारण जो है बिहार में इतनी ज्यादा गरीबी है, बिहार में इतनी ज्यादा भुखमरी है। शिक्षक पर्याप्त मात्रा में है, शिक्षक समय पे आके पढ़ा रहे हैं, शिक्षक ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब क्लासे रूम नहीं होगा, जब ब्लैक बोर्ड सही नहीं होगा, जब क्लासरूम में बेंच नहीं होगा, तो फिर स्कूल बंद कर दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए। ऐसी शिक्षा मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार लेने के लिए इनको कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है आप देख सकते हैं। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 6। क्लास 6 में। बिहार की राजधानी कहाँ है बेटा? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, आप खड़ी हो जाइए। इसकी गलती नहीं है, ये नीतीश कुमार जी की गलती है, ये तेजस्वी यादव जी की गलती है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गलती है कि यहाँ पर क्लासरूम पर्याप्त मात्रा में नहीं बनवाया गया है। कितनी जर्जर स्थिति में है बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बस इस तस्वीर को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। खड़ा हो जाइए बेटा। क्या नाम है आपका? आशा कुमारी। आशा कुमारी कौन से देश में रहती हैं? भारत देश में रहती हैं। भारत देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। ताली बजाइए। वेरी गुड, बैठ जाइए।
इस शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ बच्चे देखिए दुनिया के सभी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हो सकते हैं, चाहे अनुपात के हिसाब से पढ़ाइए या ओवरलोडेड पढ़ाइए। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद इरफान। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान कौन से क्लास में पढ़ते हो? सेवन। सेवन में यहाँ पर शौचालय है? शौचालय जी सर। क्या होता है शौचालय बताओ, जानते हो? नहीं सर। नहीं जानते हो? लैट्रिन करने कहाँ जाते हो? बाथरूम में। ना तो बाथरूम में कहना शौचालय बोलते हैं? तो है जी सर। तो यहाँ सर जो पढ़ाते हैं समझ में आ जाता है तुमको? जी सर। हाँ, कैसे समझ में आता होगा? मैडम पढ़ाती है उधर वाले को, सर पढ़ाते इधर वाले को, तो सरकार से कहोगे कि नहीं कि स्कूल में क्लासरूम बनवाइए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए ना। हाँ, बाल बहुत बढ़िया कटवाए हो, बैठ जा, खड़ा हो जाए। क्या नाम है? साजिद बाबू। ये बताइए कौन से क्लास में पढ़ते हैं? कक्षा सेवन में पढ़ते हैं। तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है आपके स्कूल में? यही कि सब बच्चे लोग हल्ला करते हैं और पढ़ने में। हंसो मत, बताओ समस्याएं बताओ। क्लासरूम नहीं है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? मान के चलो ये क्लासरूम ढह रहा है, कहीं पढ़ते पढ़ते गिर जाएगा तो क्या करोगे? हाँ, दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? जी है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्लासरूम एकदम जर्जर स्थिति में है। अगर मान के चलिए कोई हादसा हो जाए तो कैसे होगा? बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? मारूफ बशीर। मारूफ। मारूफ जी, आप कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा सेवन में पढ़ती हैं। तो सबसे पहला सवाल ये रहा कि मैं दुनिया का सबसे पहला स्कूल देख रहा हूँ और अजूबा स्कूल, जहाँ पर एक ही क्लासरूम में कंबाइन क्लास तो चलता है लेकिन शिक्षक दो पढ़ाते हैं, तो समझ में आपको आ जाता है? नहीं आता है ना। नहीं। यहाँ पर आप लोग के लिए शौचालय बना हुआ है जी। कैसा है? ठीक है, लेकिन गंदगी ज्यादा है। अच्छा, शौचालय मान के चलिए लड़कियों के लिए अलग होता है, बालक शौचालय और बालिका शौचालय अलग अलग नहीं है? नहीं। अच्छा, नहीं है? नहीं। तो आप इसी क्लासरूम में छठी और सातवीं वाले एक ही में बैठते हैं जी। तो शिक्षा मंत्री से और नीतीश कुमार जी से क्या कहना चाहिएगा? कहना चाहेंगे कि सब क्लास अलग अलग होना चाहिए, शिक्षक अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एक साथ पढ़ाने में मतलब समझ में नहीं आता है हल्ला होने से। हाँ, बिल्कुल, पढ़ने में कहाँ से समझ में आएगा? अगर मान के चलिए सर लोग प्रयास करते होंगे, नो डाउट, पूरी कोशिश करते होंगे, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता होगा जी, है कि नहीं है जी। चलिए बैठ जाइए। आपका नाम? आंचल कुमारी। आंचल कुमारी, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? कब से पढ़ रही हैं यहाँ पे आप? दो साल से पढ़ रही है। इससे पहले कहाँ पढ़ रही थी? प्राइवेट स्कूल में। ये बताइए कि जब यहाँ पर पढ़ने आई तब से ऐसी पेंट उचारा कुछ नहीं हुआ है? डेंटिंग पेंटिंग नहीं पता है। बैठ जाइए, कुछ इधर बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद रहमत अली। रहमत, ये बताओ कि तुमको यहाँ पे पढ़ाई करने में समझ में आता है? जो सर पढ़ाते हैं समझ में आता है? थोड़ा बहुत आता है। एक साल में कई महीना? 12 महीना। एक घंटा में कई मिनट? 60। ताली बजाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अद्भुत। देखिए, गरीब का बच्चा क्या करेगा? बैठ जाइए। यहाँ की समस्याएं दिखा दिया कि क्या दिक्कत है। यहाँ पर क्लासरूम बनवाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और जल्द से जल्द बनवाने की ज़रूरत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, और आपको पहले सैल्यूट है कि आप दोनों मिल के मैनेज करके पढ़ा रहे हैं। ये काबिले तारीफ, ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन आप लोग पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो बाहर चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं।